नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। डीआरडीओ ने 1071 रिक्तियों के लिए जारी किया भर्ती अधिसूचना। कार्तिक पूर्णिमा पर आज लगाएंगे लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी। बिहार विश्वविद्यालय क्षेत्र में नए सत्र में जुड़ सकते हैं 64 कॉलेज। बीपीएससी ने डीपीआरओ की लिखित परीक्षा की स्थगित। विराट को पहली बार मिला ये आईसीसी अवार्ड। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। डीआरडीओ ने 1071 रिक्तियों के लिए जारी किया भर्ती अधिसूचना। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडमिन एंड अलाइड कैडर के विभिन्न पदों जैसे जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर, स्टेनोग्राफर, एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, स्टोर असिस्टेंट, सिक्योरिटी असिस्टेंट, व्हीकल ऑपरेटर, फायर इंजीनियर, ड्राइवर, फायरमैन इत्यादि के कुल मिलाकर 1071 रिक्तियों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी किया है। इन पदों के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को अलग अलग पद के लिए अलग अलग निर्धारित फिजिकल एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, जिसमें पद के अनुसार संबंधित डिसिप्लिन में क्लास 10th या 10+2 ग्रेजुएशन या पीजी या डिग्री पास होने के साथ ही संबंधित स्किल होना चाहिए। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन की तारीख 7 दिसंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.drdo.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा पर आज लगाएंगे लाखों श्रद्धालु गंगा में डुबकी। कार्तिक माह का आखिरी दिन 8 नवंबर को है, यानी कि आज कार्तिक माह की पूर्णिमा तिथि भी है, जो आज शाम 4:31 पर समाप्त हो जाएगी। बता दें कि पूर्णिमा काल बीते दिन शाम 4:15 पर शुरू हो चुका है। आज कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान लक्ष्मी नारायण पूजन किया जाएगा। माना जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा तिथि पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की थी। इसी प्रसन्नता में देवी देवताओं ने शिव की नगरी काशी में मणिकर्णिका घाट पर स्नान कर संध्या काल में दीपदान किए थे। बीते दिन काशी में भव्य तरीके से देव दीपावली का आयोजन किया गया था। कहा जाता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान से पूरे महीने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा घाटों पर संभावित भारी भीड़ को देखते हुए राजधानी पटना के तमाम बड़े घाटों पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भीड़ भाड़ वाले घाट जैसे काली घाट, गांधी घाट, भद्र घाट, कंगन घाट, गाय घाट पर अस्थायी नियंत्रण कक्ष बनाए जा रहे हैं। कुछ घाटों पर सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी होगी। वहीं आज कार्तिक पूर्णिमा पर 5 लाख के करीब श्रद्धालुओं की गंगा में डुबकी लगाने की संभावना है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे बलिराम भगत की। बलिराम भगत एक भारतीय राजनीतिज्ञ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे। उन्होंने 1952 से 1977 और 1984 से 1989 तक आरा का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा में संसद सदस्य के रूप में कार्य किया है। भगत लोकसभा के 6ठे अध्यक्ष और भारत के 13वें विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। बलिराम भगत का जन्म 1922 में बिहार के पटना में एक अमीर यादव परिवार में हुआ था। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान 1944 में भारतीय कांग्रेस में शामिल हुए और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने पटना कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और पटना विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री प्राप्त की। जनता दरबार में मुख्यमंत्री ने सुने कुल 75 फरियादियों की फरियाद। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 4 देशरत्न मार्ग स्थित मुख्यमंत्री सचिवालय परिसर में आयोजित जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल हुए। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य के विभिन्न जिलों से आए 75 लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को समाधान के लिए समुचित कार्रवाई का निर्देश दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन विभाग, गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, निगरानी विभाग, खाने एवं भूतत्व विभाग से जुड़े मामलों की सुनवाई की। मुंगेर जिला से आए एक फरियादी ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि मेरी बहन की हत्या कर दी गई है। मामले में 3 आरोपी फरार हैं, जिन्हें अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। वहीं खगड़िया से आए एक फरियादी ने कहा कि अपनी जमीन पर कर्ज लेकर हमने मकान बनाया, लेकिन दबंग लोग आए दिन रंगदारी मांगते रहते हैं। रंगदारी नहीं देने पर मारपीट की घटना को अंजाम देते हैं। आज लग रहा है साल का अंतिम चंद्र ग्रहण। आज कार्तिक पूर्णिमा के दिन साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगेगा। ये भारत में भी दिखाई देगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र ग्रहण का सूतक काल सुबह 9:21 से ही शुरू हो जाएगा, जो कि शाम 6:18 में समाप्त हो जाएगा। वहीं चंद्र ग्रहण शाम 5:32 पर शुरू होगा, वहीं 6:18 पर खत्म हो जाएगा। वहीं एक अहम जानकारी आपको देना चाहूंगी कि पूर्णिमा का स्नान उदया तिथि के अनुसार 8 नवंबर को किया जाएगा, लेकिन चूंकि इस दिन सुबह
9:30 बजे के बाद चंद्र ग्रहण का सूतक शुरू हो जाएगा, इसलिए इससे पहले ये स्नान कर लें। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में किया स्नान और जरूरतमंदों को दान करने से कभी न खत्म होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। बिहार विश्वविद्यालय क्षेत्र में नए सत्र में जुड़ सकते हैं 64 कॉलेज। BRA बिहार विश्वविद्यालय के तहत आने वाले सभी क्षेत्रों में कुल 64 कॉलेजों ने नए सत्र के लिए आवेदन किया है। इसके लिए एक टीम का गठन किया जाएगा जो कॉलेजों का भौतिक सत्यापन करेगी। इस दौरान भूमि से लेकर क्लासरूम, प्रयोगशाला, खेल के मैदान, भवन और शिक्षकों की नियुक्ति की जाँच की जाएगी और फिर इसके बाद इसकी रिपोर्ट शिक्षा विभाग और सरकार को भेजी जाएगी, जहाँ से इसका ठीक से सत्यापन करके कॉलेजों को मान्यता दी जाएगी। अगर इन 64 कॉलेजों को मान्यता मिल आती है तो BRA कॉलेजों की संख्या 130 से अधिक हो जाएगी। वहीं उम्मीद है कि इस महीने में कॉलेजों की जांच शुरू हो जाएगी। मोहन प्रसाद गुप्ता के खिलाफ दायर याचिका को पटना हाईकोर्ट ने किया निष्पादित। गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र से राजद उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध दायर रिट याचिका पर बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि चुनाव खत्म हो जाने के उपरांत इस याचिका का कोई औचित्य नहीं है। दरअसल 6 नवंबर को खत्म हुए गोपालगंज उपचुनाव में स्थानीय वोटर दीपू कुमार सिंह द्वारा दायर याचिका द्वारा की गई थी कि जिसमें कहा गया था कि मोहन प्रसाद गुप्ता ने तथ्यों को छुपाकर गलत हलफनामा दाखिल किया था। भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ प्रसाद कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए। प्रसाद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 329 का हवाला देते हुए बताया कि यह रिट याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है। राजीव व नेपाली नगर मामले में इस दिन होगी सुनवाई। राजधानी पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर के सरकारी जमीन पर अधिग्रहण के मामले में हाईकोर्ट 10 नवंबर को सुनवाई करेगा। इस मामले की सुनवाई पटना हाईकोर्ट ने टाल दी है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बिहार राज्य आवास बोर्ड को बताने को कहा था कि अब तक पटना में उसने कितनी कॉलोनियों का निर्माण और विकास किया है। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार को एमिकस क्यूरी संतोष सिंह द्वारा प्रस्तुत दलीलों की अगली सुनवाई में जवाब देने का निर्देश दिया था। बिहार के सबसे ऊंचे शिव प्रतिमा का बाबा रामदेव ने किया उद्घाटन। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के पूर्वी छोर पर स्थित पायलट बाबा धाम में भगवान शिव की 111 फीट ऊंची प्रतिमा का योग गुरु बाबा रामदेव ने उद्घाटन किया। आपको बता दें कि यह बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। कंक्रीट के बने इस प्रतिमा के निर्माण में लगभग 5 साल लगे हैं। कुशल मूर्तिकारों की टीम ने इस भव्य प्रतिमा का निर्माण किया है। प्रतिमा के लोकार्पण महोत्सव में मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, सांसद मनोज तिवारी, छेदी पासवान, जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर आदेशानंद गिरी सहित कई अन्य संत मौजूद रहे। बता दें कि शिव प्रतिमा का निर्माण पायलट बाबा ने करवाया है। यह मूर्ति अपने निर्माण काल से ही श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहा है। माया सरोवर इस वजह से है बेहद खास। माया सरोवर बोधगया में स्थित है। करीब 5 एकड़ क्षेत्रफल में फैला यह पार्क पर्यटकों के लिए हर दिन खुला रहता है और यहाँ मनोरंजन के ढेरों संसाधन उपलब्ध हैं। पार्क में मौजूद विभिन्न तरह की वनस्पतियाँ इसकी खूबसूरती को और भी मनमोहक बनाती है। इस पार्क के तालाब में आप नौका विहार के साथ साथ मछली पकड़ने का भी लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ प्रतिदिन संध्या के समय भगवान बुद्ध के ऊपर आधारित प्रकाश एवं ध्वनि कार्यक्रम का आयोजन पानी के फव्वारे द्वारा बनाई गई जल स्क्रीन पर किया जाता है। यह कार्यक्रम लेजर शो के नाम से मशहूर है। पार्क प्रशासन द्वारा विभिन्न अवसरों पर तरह तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अपने दिन को आनंदमय बनाने के लिए आप यहाँ दोस्तों और मित्रों के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। नियमित नियुक्ति होने तक संविदा पर होगी विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती। राज्य स्वास्थ्य समिति ने यह निर्णय लिया है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों में नियमित नियुक्ति होने तक संविदा पर विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। बता दें कि एक्सपर्ट्स डॉक्टरों में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी जरूरत जिनकी PHC अनुमंडलीय एवं जिला अस्पतालों में सर्वाधिक है। वहीं नई बहाली की प्रक्रिया में प्रसूति एवं महिला रोग विशेषज्ञ एवं बाल रोग विशेषज्ञ समेत हड्डी रोग विशेषज्ञ, सामान्य सर्जन एवं एनेस्थीसिया को भी शामिल किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत विशेषज्ञ डॉक्टरों की बहाली संविदा के आधार पर की जाएगी। BPSC ने DPRO की लिखित परीक्षा की स्थगित। BPSC से होने वाली सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क अधिकारी की परीक्षा तिथि अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है। दरअसल छात्रों ने लेट से और अधूरा सिलेबस अपलोड होने को लेकर विभाग को एक पत्र लिखा था। बता दें कि DPRO की परीक्षा 16 नवंबर से 18 नवंबर तक घोषित की गई थी, लेकिन बीते दिन आयोग ने एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी करते हुए लिखा कि दिनांक 16 नवंबर 2022 से 18 नवंबर 2022 तक आयोजित की जाने वाली सहायक निदेशक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी लिखित प्रतियोगिता परीक्षा अपरिहार्य कारणों से कुछ दिनों के लिए स्थगित की जाती है। उक्त परीक्षा के पुनः आयोजन की तिथि की घोषणा बाद में की जाएगी।
सनातन समागम में हर दिन 1,00,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था। श्री राम कर्मभूमि न्यास सिद्धाश्रम द्वारा बक्सर के अहिल्याधाम अहिरौली में आयोजित 15 दिनों के सनातन संस्कृति समागम का आगाज बीते दिन से हो गया है। यहाँ प्रतिदिन 1,00,000 लोगों के भोजन की व्यवस्था है। इसके लिए यहाँ 300 बावर्ची लगाए जा रहे हैं। खास बात यह है कि यहाँ श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का परिवेशन नहीं किया जाएगा, अपितु श्रद्धालु अन्य क्षेत्र से खुद प्रसाद प्राप्त करेंगे और उसको ग्रहण करेंगे। यहाँ प्रतिदिन राम कथा का आयोजन किया जाएगा। यहाँ 9 से 15 नवंबर तक जगतगुरु रामानुजाचार्य स्वामी अनंताचार्य द्वारा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा। पीने वाले से ज्यादा अब बेचने वालों पर प्रशासन की होगी पैनी नजर। शराबबंदी को बरकरार रखने की कोशिश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन मद्य निषेध को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। मीटिंग में सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने सरकार द्वारा लिए गए निर्णय की जानकारी दी है, जिसमें अवैध शराब की बिक्री पर अब सख्ती बरतने का निर्णय लिया गया है। धंधेबाज ऊपर सख्ती बरतने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है। मुख्य सचिव ने बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस अब शराब पीने वाले को पकड़ने की बजाय शराब माफियाओं पर शिकंजा कसेगी। पीने वाले से ज्यादा सप्लाई करने वालों पर फोकस होगा, साथ ही सजा भी दिलाई जाएगी। राज्य के बाहर के माफिया जो बिहार में शराब की सप्लाई कर रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें सजा दिलाई जाएगी। बिहार में जल्द ही बढ़ेगी ठंड। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक बिहार के मौसम का पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में पूर्वा हवा के कारण अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा। 5 दिनों बाद पूरे राज्य में पारे में गिरावट होने की संभावना है, जिससे ठंड में वृद्धि हो सकती है। इसकी जानकारी मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने दी है। मौसम विभाग का मानना है कि बिहार में इस बार ठंड की स्थिति जो भी हो, लेकिन राज्य में न्यूनतम तापमान में काफी कमी आने लगी है। वहीं अभी राज्य में पूर्वा हवा का प्रवाह जारी है। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में आज सीएम करेंगे गुरु पर्व का उद्घाटन। गुरु गोविंद सिंह के जयंती के अवसर पर बिहार की राजधानी पटना में प्रकाश पर्व को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। 8 नवंबर यानी आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरु पर्व का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि इस दिन वाहे गुरु जपते हुए प्रभात फेरी निकाली जाती है। शाम के समय लंगर का आयोजन किया जाता है। गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन बजते हैं और गुरुवाणी का पाठ किया जाता है। यह दिन हिंदू धर्म के लोगों के लिए भी खास होती है, क्योंकि इसी दिन कार्तिक पूर्णिमा भी मनाई जाती है। वहीं इस बार श्रद्धालुओं की खुशी दुगनी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस बार एशिया का सबसे बड़ा बिना पिलर का दरबार हॉल गुरुद्वारा के पास बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन आज सीएम करेंगे। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब गुरुद्वारा सिखों के लिए बहुत खास है। बिहार के बाद अब गुजरात में नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगे नीतीश कुमार। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के घमासान में अब जनता दल यूनाइटेड की भी एंट्री हो गई है। नीतीश कुमार की ये पार्टी बिहार में आमने सामने होने के बाद अब गुजरात में भी भाजपा से टकराएगी। इस विधानसभा चुनाव में एक बड़ा अपडेट यह है कि जदयू का गुजरात विधानसभा चुनाव में भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन हुआ है। इसकी जानकारी बीटीपी पार्टी के अध्यक्ष छोटू भाई बसावा ने दी है। इस मामले में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि बातचीत जदयू गुजरात से बीटीपी की बातचीत हो रही है और वो रिपोर्ट बनाकर भेजेंगे, फिर हम उस पर फैसला लेंगे। इस दिन होगा जदयू प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव। जदयू पार्टी के राज्य निर्वाचन पदाधिकारी जनार्दन प्रसाद सिंह ने बीते दिन सोमवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है कि जदयू के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 27 नवंबर को होगा और उसी दिन नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की जाएगी। वहीं इसके लिए नामांकन पत्र 26 नवंबर को दिया जाएगा। बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, जिसकी तिथि की घोषणा भी जल्द की जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए सर्वसम्मति से एक का नाम घोषित किया जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो सका तो 27 नवंबर को 11 से 1:30 बजे के बीच राज्य परिषद के सदस्य अपना समर्थन देंगे। विजय चौधरी का बयान, जनता को भाजपा जदयू का साथ नहीं पसंद। बिहार की गोपालगंज और मोकामा सीट के लिए हुए उपचुनाव का परिणाम आ चुका है, जिसके बाद बीते दिन सोमवार को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इन दोनों सीटों से आए परिणाम से यह साफ जाहिर होता है कि जनता को जदयू का भाजपा का साथ छोड़ने के फैसले से किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। अब कुढ़नी विधानसभा में भी महागठबंधन की ही जीत होगी। बता दें कि कुढ़नी विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं नामांकन की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू की जा रही है। कुढ़नी में उपचुनाव की नौबत तब आई जब आरजेडी के अनिल साहनी के एलटीसी घोटाले में सजा दी गई और उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया था।
मंदिरों के रजिस्ट्रेशन को लेकर मनोज तिवारी का बयान। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने उन बयान को और निर्देश पर जवाब दिया है जिसमें बिहार सरकार के विधि मंत्री शमीम अहमद द्वारा मंदिरों के रजिस्ट्रेशन को लेकर बात कही गई थी। बीते दिन पायलट धाम पहुंचे मनोज तिवारी ने कहा कि सरकार पहले से ही देश के छोटे बड़े तमाम मंदिरों से कर वसूलते रही है, जिसके पैसे से राष्ट्र का कल्याण ही नहीं दूसरे धर्मों के लोगों के कल्याण पर भी सरकार खर्च कर रही है। उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, वह हमारे मंदिरों की जाँच करें। उन्होंने कहा कि सरकार जैसे चाहे वैसे जाँच कर ले, हमारे यहाँ कोई भी व्यवस्था छुपाने वाली नहीं है। CBSE CISC बोर्ड परीक्षा 2023 का टाइम टेबल जल्द होगा जारी। CBSE CISC बोर्ड परीक्षा 2023 का टाइम टेबल जल्द घोषित किया जा सकता है। बता दें कि CBSE CISC दोनों बोर्ड इस बार एक ही बोर्ड परीक्षा आयोजित करा रहे हैं। कुछ समय पहले ही CBSE और CISC ने 10वीं कक्षा और CISCE ने 12वीं कक्षा की फाइनल परीक्षा के लिए मॉडल पेपर जारी किए थे और अब उम्मीद है कि दोनों बोर्ड की ओर से जल्द ही बोर्ड परीक्षा 2023 का शेड्यूल भी जारी कर दिया जाएगा। वहीं बोर्ड के द्वारा विभिन्न विषयों के सैंपल पेपर भी प्रकाशित किए गए हैं जो वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड किए जा सकते हैं। बताते चले कि वैसे छात्र जो CISCE और CBSE परीक्षा शेड्यूल को देखना चाहते हैं वे CBSE.gov.in और CISCE.org पर जाकर देख सकते हैं। विराट को पहली बार मिला ये ICC अवार्ड। अक्टूबर महीना पूरी तरह से किंग कोहली के नाम रहा। जिस तरह से उन्होंने अपने फॉर्म को वापस पाया, उन्होंने एक बार फिर से रिकॉर्ड बना डाला। भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने पहली बार इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC की तरफ से प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड पर कब्जा किया है। विराट अक्टूबर 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। बीते दिन 7 नवंबर को ICC ने मेंस और वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का ऐलान किया। विराट कोहली मेंस कैटेगरी और पाकिस्तान के नीदा डार को वुमेंस कैटेगरी में महीने का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है। विराट ने अक्टूबर में 4 मैच खेले जिनमें T20 विश्व कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ खेला गया मैच अहम था, जिसमें उन्होंने नाबाद 82 रन की जादुई पारी खेली। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना सितारा देवी का जन्म 1920 में हुआ। दक्षिण अफ्रीकी सर्जन क्रिश्चियन बर्नार्ड का जन्म 1922 में हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 1929 में हुआ। प्रसिद्ध साहित्यकार लोचन प्रसाद पांडे का निधन 1959 में हुआ। भारत के पहले वायुसेना प्रमुख सुब्रतो मुखर्जी का निधन 1960 में हुआ। दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक भूमि रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी का निधन 1977 में हुआ। भारत ने 2005 में फिलिस्तीनी संगठनों की आतंकवादी कार्रवाई और इसराइल की दमन की आलोचना की। भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1 2008 में चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। भारत सरकार ने 2016 में बड़े नोटों को विमुद्रीकरण किया जिसमें 500 और 1000 रुपये के नोटों का अवैध घोषित किया। सिख धर्म गुरु हर राय का निधन 1661 में हुआ। वायरल खबर में आज बात होगी गूगल पे के बारे में। सोशल मीडिया पर कई तरह की सूचनाएं वायरल होती हैं लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे गूगल पे के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि यह दावा किया जा रहा है कि गूगल पे NPCI के द्वारा प्राधिकृत नहीं है। PIB ने आगे लिखा है कि यह क्लेम फेक है। NPCI के अनुसार गूगल पे एक अधिकृत UPI भुगतान सेवा प्रदाता है। इस तरह की किसी भी न्यूज़ को फॉरवर्ड करने से बचे। एलोन मस्क का ऐलान, सस्पेंड किए जाएंगे पैरोडी अकाउंट। ट्विटर के मालिक बनने के बाद से ही एलोन मस्क ट्विटर को लेकर आए दिन कुछ नए अपडेट दे रहे हैं। बीते दिन सुबह ही एलोन मस्क ने ट्वीट कर एक और बड़ी खबर दी है। मस्क का यह ट्वीट ट्विटर अकाउंट्स के सस्पेंड होने से जुड़ा हुआ है। एलोन मस्क ने कहा है कि ऐसे अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाएंगे जिनकी पहचान स्पष्ट नहीं है। एलोन मस्क ने ट्वीट कर कहा कि आगे बढ़ते हुए पैरोडी को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किए बिना प्रतिरूपण में संलग्न किसी भी ट्विटर हैंडल को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाएगा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है शंकर मुखिया, मुकुल आनंद, सद्दाम हुसैन, राहुल कुमार, रानी कुमारी, दीपा राय सिंह, सुदामा साव, धीरज कुमार, पूजा कुमारी, महेंद्र कुमार, आयुष मौर्य, मनोज कुमार, मुकेश कुमार और राजीव कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि बिहार में शराबबंदी को रोकने में सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम से कितना बल मिल रहा है। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।